मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आज हम जा रहे हैं दिल्ली, मैं और गौरी साथ में। बहुत बोर हो रहे थे इतने दिनों से, यहाँ त्रिस्ता है नहीं, शिवांगी हॉस्पिटल में बिजी है, तो गौरी और मैंने सोचा हम ही निकल पड़ते हैं। तो देखते हैं आज कहाँ जाएंगे। तो कीचड़ की वजह से ना किसी मार्केट जाने का प्लान तो कैंसिल करना पड़ेगा। मैं तो पहुँच गई हूँ बड़खल, गौरी ऊपर प्लेटफॉर्म पर मेरा वेट कर लिया। फटाफट जाते हैं ऊपर, सुनाएगी बंगा वो। घर में तो एक्सरसाइज हो नहीं पा रही है, तो सोचा मेट्रो स्टेशन पे सीढ़ियों से ही चलते हैं ऊपर। वो बैठी हुई है साइड में, फोन पे लगी हुई है। भाई तूने ये मेरे को पता था, ये कवर लेने के बाद जरूर पूछेगी कब लिया। अरे उस दिन ना मम्मी के साथ लाजपत गई थी, शक्ल तो दिखा दे। हाय गाइस, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रही है ये। हाँ, एक आज सुबह भी डाला है। अच्छा, पहले का? अरे वीडियोस बनी पड़ी है फोन में, एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये कवर मैंने लिया लाजपत से। पता कितने का दिया उसने? गैस मार्क 100 रुपये का। अबे चल, 200 रुपये का। यार देखा, मैं सही है ना, सही है। अरे यार उस दिन ना फोन करना भूल गई, वहाँ से निकल के गाड़ी में बैठी ना, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा गौरी को फोन कर लेना चाहिए था, देखेगी तो बोलेगी मेरे लिए क्यों नहीं लेके आई। ले आओ, देख लो यार कैसी दोस्त है। देख लो गाइस कैसे कलर बना ली, सारे कलर थे वहां, मैंने कंफ्यूज हो गई। जो 15 में देखा था अच्छा है। आजा भाई, जिम जा रही है लड़की, फिर भी सीढ़ियाँ नहीं उतरती। हाय भगवान, उतर तो रही हूँ। 15, चलो 15 फ्लोर उतरवा दी इसने मुझे। अब हम सोच रहे हैं, हम जा रहे हैं जीके, पर हम ना वायलेट लाइन से आए थे। अब अगर हमें जीके जाना है, ग्रेटर किला जाना पड़ेगा, उसके लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। तो हम उतर गए कैलाश कॉलोनी। अब ऑटो वालों से थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं भैया। वहाँ जाना है जीके, जीके 1 एम ब्लॉक। कितने? 40। चलो ठीक है, तो फाइनली पहुँच गए जीके 1 एम ब्लॉक। और अच्छी बात यह है कि यार ना धूप हो रही है, बारिश नहीं हो रही। अगर बारिश हो, गर्मी हो रही नहीं यार, पर ठीक है, फिर भी बारिश होती तो बिल्कुल कीचड़ कीचड़ होता, सब घूम भी ना पाते। तो अभी तो जीके 1 एम ब्लॉक है, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे। मैं तो कह रही थी लोधी गार्डन चलते हैं। अरे खाना, मैं इसलिए कह रही थी, मैं थोड़ी झूल झूल खा रही थी, मेरा शूट हो जाता बढ़िया सा। मेरे ना हाथ छोटे से हैं, तो इसके हाथ थोड़े सही हैं, तो बैंगल वैंगल का शूट इसके हाथों में कराती मैं। गौरी मुँह में पानी आ रहा है? यार चुप कर यार, फास्ट है मेरा, कुछ भी नहीं खा सकती। मैं तो खाऊंगी, पता क्या खाऊंगी? वॉफल, न्यूटेला वॉफल। आज ही खाना तूने सब कुछ? क्यों हुआ कि कल मैं ऑफिस गई और मेरे सामने एक छोले भटूरे खा रहे हैं, एक राजमा चावल खा रहे हैं, एक छोले चावल खा रहे हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के खुद का खाना खा रही हूँ। और रखो 9 दिन का फास्ट। मैंने कहा यार सबने आज ही खाना था सारा कुछ। भाई 1-2 दिन तो रखा जाता है, मैं बचपन से रखती आ रही हूं। 9 दिन तो तुझे तो आदत हो गई फिर। देखो मैं सोच रही हूँ ये वाला टॉप लेने की, मेरे को थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। अभी आके ट्राई करेंगे हम। हमें वो टॉप पसंद आ रहा है ना, हमारे साइड में एक और आंटी और उनकी बेटी घूम रही थी, वो भी वही देखने लग गया, बोल रही है उनको भी पसंद आ रहा है वो वाला टॉप। ले लिया जाए, ले लिया जाए, ये भी बस कर रहा है। जीके में कपड़े तो अच्छे होते हैं, समर्स की वैरायटी तो अच्छी आ जाती है, पसंद आ जाती है, पर बार्गेनिंग कराने के लिए उनसे बुला के। देखो मुझे तो ये पसंद आ रहा है काफी, मतलब अच्छा सा लग रहा है, डिफरेंट सा डिजाइन लग रहा है, तो मैं तो सोच रही ले लूं। हम थोड़ा सा और लूज करेंगे ब्लैक ब्लैक बॉटम के साथ।
आ गए हैं डीफॉल्स पे कॉफ़ी पीने, ये तो हमारी है ही, जब भी जी के आते हैं जनपद जाते हैं तो डीफॉल्स तो ठीक है। मैं तो नहीं खेती ले रही हूँ, ये सोच रही है कौन सी, मैं सोच रही हूँ आयरिश क्रीम ले लूँ या फिर तू बोल रही थी वनीला ले लूँ। अब जो तो पीती है वो ही दे, पीने के बाद मत बोल आयरिश क्रीम को। देखो आज प्रिया ने बहुत सारी शॉपिंग करी है, अभी ये भी दिखा, एक और भी है बैग वो मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको कौन सा बैग लिया मैंने यहाँ से। और बाकी अब हम ना टॉप देख रहे हैं यार, और ये एक बार टॉप देखते हैं गाइस। प्रिया आज शॉपिंग के मूड में है प्रॉपर, और प्रिया ढंग से बार्गेनिंग कर रही है, देखिए प्रिया कौन सा पसंद आ रहा है आपको भाई, देख रहे हो अभी तो ना सिंपल सा देखो, ये देख के भैया ये वाला दिखा ना, और कोई देख ले के थोड़ा काम दो, ये तो साइज होगा। गाइस इस लड़की को देखिए आज इसने भर भर के शॉपिंग करी है, भर भर के शॉपिंग करी है, भर भर के। प्रिया क्या कहना चाहेगी? जी के में कपड़े बहुत मस्त है, समर्स के तो बहुत बढ़िया कलेक्शन है, बस ये है कि आपको थोक के भाव पे बार्गेनिंग करानी पड़ती है भाई साहब, 2200 रुपए की चीज़ें 1000-1000 रुपए में ली है हमने। वो कितने की बता रहा था, 1800 रुपए की ड्रेस 600 में ले ली हमने। मैं और कम बोल रही थी, तूने 600 बोल दिया। चल कोई, प्रिया इज लुकिंग सो गुड, अच्छा लग रहा है। हाँ भाई गौरी, आज गौरी ने कोई शॉपिंग नहीं करी है, मैं इसको बोल रही थी ले 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 ले, पर नीचे ना हम अपनी वीडियो बना रहे थे और पुलिस वाले अंकल ने बोल दिया वीडियो नहीं बना सकते, मैंने तो पहली बार देखा है आज, मैंने कितनी बार बनाई है जाएगी दीदी, इसलिए अब हम थोड़ी सी यहाँ बना रहे हैं मेट्रो के अंदर, हालत इतना भी नहीं थका, मैं थक चुकी थक चुकी इसका फास्ट है ना, पर शॉपिंग मस्त हो गया। मैं घर जाके मैं सोच रही हूँ हॉल बनाती हूँ जीके का कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी है और कितने में सब लिया है, तो घर जाके मैं शूट करूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करूँगी जीके हॉल। तो बड़खल पहुँच गई हूँ, अब घर जा रही हूँ रिक्शा करके यहाँ से, और ना बहुत जल्दी में हो क्योंकि ना पार्सल वाला पार्सल लेने आ रहा है, कल संडे है आज सैटरडे है, अब कल पार्सल निकलेंगे नहीं मंडे निकलेंगे, वैसे तो वो 7 बजे तक लेने आता है पार्सल, आज 7:45 कह रहा है, पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी, 6:35 हो गए हैं यहाँ पे, मुझे बस 2-3 पार्सल पे नाम लिखना है, तो काफ़ी जल्दी जल्दी मुझे रिक्शा करके जाना पड़ रहा है। गौरी चली गई अपने घर, उसको मैं बोल रही थी मेरे घर चल ले, पर चली गई, उसका फास्ट था ना, थकी हुई थी। मैं घर पहुँच के पार्सल्स पैक करके फिर ब्लॉक करती हूँ। मम्मा को तो मैंने सब ट्राई करके दिखा दिया और मम्मा को पसंद भी सब आया है, मेरे को भी बहुत पसंद आया था वहाँ पे सब, बस एक वाइट वाली ड्रेस का थोड़ा पंगा पड़ रहा है जो यहाँ पे बंद ही नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है वो बच्चों की ड्रेस है भाई, बंद ही नहीं हो रही वो ऊपर से, वहाँ हमें लग भी रहा था फिर भी हम ले आए, पर चलो कोई नहीं, जाना तो है ही, जो मैंने दूसरी चीज़ दी ऑल्ट्रेशन के लिए वो उठानी है, तो जब मैं जाऊँगी तो वो चेंज ही करवानी पड़ेगी, देखते हैं, मुझे पसंद तो बहुत है, बस उसमें होपफुली साइज़ मिल जाए बड़ा। आज गौरी के चक्कर में मैं खुद कुछ नहीं खा पाई भाई, उसका फास्ट था, वो पूरे 9 दिन फास्ट रखती है, अब उसके चक्कर में मुझे लग रहा था मैं बताती हूँ, 2 रीज़न से नहीं खा पाई, जब भी मैं जी के जाती हूँ ना या जनपद जाती हूँ तो वहाँ पर ना मैं कॉफ़ी तो पीती हूँ डीपॉल्स की, दूसरी चीज़ मैं खाती हूँ मोमोज, चिकन मोमोज, अब चिकन मोमोज मैं खा नहीं सकती थी, नवरात्रे चल रहे हैं, अब और कुछ मेरा खाने का मन नहीं कर रहा था, चाट वगैरह गोलगप्पे वगैरह, अब वहाँ पे तीसरी चीज़ होती है वॉफल्स, हम अब वो ना मैंने गौरी के चक्कर में नहीं खाया, उस बेचारी के ना मुँह में पानी आ जाता, बेचारी का फास्ट था, तो मैं उसके चक्कर में मैं भी कुछ नहीं खा पाई, बस कॉफ़ी पी, मानो कि सुबह से लेकर शाम तक बस कॉफ़ी और कुछ भी नहीं खाया, आज भूख ही नहीं लग रही थी, घर आके भी भूख नहीं लग रही थी, सुबह भी भूख नहीं लग रही थी, पता नहीं किसी दिन ऐसे होता है बहुत तेज़ भूख लगती है, किस किस दिन भूख ही नहीं लगती है बिल्कुल,
एक तरह से मेरा भी फास्ट ही हो गया था उसके साथ साथ। तो मज़ा तो बहुत आया वहाँ शॉप, मतलब कपड़े लेके ना, और पता और भी बहुत चीज़ें पसंद आ रही थी, बहुत चीज़, लेकिन मैंने छोड़ा ही, मैंने कहा यार कितने कपड़े लूँगी, तो पसंद तो बहुत कुछ आ रहा था। और पर ये एक चीज़ है कि वहाँ आपको बारगेनिंग तो भाई दबा के करनी पड़ेगी, मतलब लगा लो कि आपको आधे से भी कम रेट बताना पड़ेगा वहाँ पे। उन्होंने बैग पता कितने का बताया था, 3500 का, सोचो 3500 रुपीज़ का उन्होंने बैग बताया, और हम कम करा करा के 1800 रुपये में लेके आए हैं। 1800 में भी इसलिए लेके आया है क्योंकि मुझे पता था इसका असली रेट, मेरे को भी 1800 में मिल रहा था, तो इसकी क्वालिटी अच्छी थी इसलिए, बाकी कम में वो दे ही नहीं रहा था भाई। पर ठीक है चलो, मेरा मन बहुत था, काफ़ी टाइम से था ये वाला। और ये मैंने ना बैग, मेरे को देखते पता क्यों पसंद आया था, इसका ना साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा हैंडी है, बहुत ज़्यादा गर्लिश है। इससे बड़ा साइज़ थोड़ा बड़े लोगों के पे सूट करता है, पर हाँ जिनको शौक है बड़े हैंड बैग्स उठाने का वो उठा भी सकते हैं। मेरे को छोटा सा बहुत पसंद था तो मैंने ले लिया। तो ये है मेरे कुछ नए डिज़ाइंस बोल के, मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये नया डिज़ाइन मैंने बनवाया है पोलकी में, और ये इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब एक तो आजकल पोलकी चल रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। बिजनेस, अपना बिजनेस करने में ना अलग ही मज़ा आता है। दूसरा सेट ये है, ये इसको ना विक्टोरियन पॉलिश बोलते हैं, विक्टोरियन सेट बोलते हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब ना मुझे ऐसा ऑब्सेशन सा हो गया ज्वेलरी से कि मैं इतने नए डिज़ाइंस बनवाऊँ अपने, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बैंगल्स भी दिखाती हूँ जो मैंने बनवाई हैं, सारी कलेक्शन है फूल की बैंगल्स की, और भी बहुत डिज़ाइन हैं, वो मेरे सारे पेज पे हैं, मैं यहाँ नहीं दिखा सकती। मैं सोच रही हूँ किसी दिन ना, अब थोड़ा बहुत ना ज्वेलरी के व्लॉग्स भी डालने लग जाऊँ, जब पड़ी है घर पे तो व्हाई नॉट। अब ना मेरा मेन फोकस थोड़ा अब शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को ज्वेलरी पे, क्योंकि मेरे घर इतना स्टॉक मैंने रख लिया अपने पास, और मेरे को अब बैक टू बैक शूट्स करने हैं, क्योंकि जब तक मैं शूट नहीं करूँगी, अपने पेज पे नहीं डालूँगी, लोगों को नए डिज़ाइन देखेंगे कैसे। मैं मतलब पूरे तरीके से ना ऐसे डिज़ाइंस बनवा रही हूँ जो इजीली किसी को कहीं और मिलेंगे ही नहीं, तो इजीली क्या अभी स्टार्टिंग में तो मिलेंगे ही नहीं, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करना है शूट्स पे ज्वेलरी के, तो बहुत मेहनत होने वाली है शूट करने में और सब अपलोड करने में और रील बनाने में, तो काफ़ी हेक्टिक होने वाला है मेरे आने वाले दिन, पर करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक नए डिज़ाइन लोगों को दिखेंगे नहीं तो वो बिकेंगे कैसे। तो हाँ बस यही सब है, मैं भी आपको कुछ कुछ दिखा भी दूंगी कौन कौन से मैंने और नए डिज़ाइन बनवाए हैं, पर मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ ना यूट्यूब वीडियो भी बना लूँ एक दो ना अपने ज्वेलरी के स्टॉक से रिलेटेड, तो ये भी मैं करने वाली हूँ धीरे धीरे। बस आज का दिन मैं यहीं एंड करती हूँ, आज का व्लॉग दिन तो एंड हो ही गया, रात हो गया, अब आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अब कल आएगा मेरा जीके का हॉल, जो भी मैं लेके आई हूँ वो सब आपको मेरे कल के व्लॉग में दिखेगा, आज के व्लॉग में मैं हॉल नहीं दिखाने वाली हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, अब मैं आपसे मिलूँगी कल के व्लॉग में, और बस भगवान मेरे को ऐसी एनर्जी देता रहे कि मैं रोज़ रोज़ व्लॉग बना के एडिट कर लूँ, व्लॉग तो बन जाता है एडिट कर लूँ, प्लीज़ थोड़ी एनर्जी दे दो मुझे। चलो अब मैं एंड कर रही हूँ और अब मैं आपसे मिलूंगी कल के व्लॉग में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक तो ज़रूर कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कर देना भाई।